I hate taxes. अगर आप 30% टैक्स पे करते हैं तो आपके इनकम का 1/3 सरकार खा जाती है। इसका मतलब है आप एक साल में 4 महीने सरकार के लिए काम करते हैं। इनकम टैक्स पे करते समय सबकी जलती है, लेकिन दुनिया में कुछ देश हैं जो 0 इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे और ऐसे दिखते हैं। कैसे? 0 टैक्स या क्लोज टू 0 टैक्स वाले देश पैसे कैसे कमाते हैं? अपने सिटीजंस को अच्छी सड़कें, अच्छा हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे पाते हैं? और क्या भारत भी इनकम टैक्स हटाकर एक 0 टैक्स देश बन सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज हाउ इंडिया वर्क्स, जहां हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से भारत के प्रॉब्लम्स की ओर देखते हैं। हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, टैक्स हेवन्स होते क्या? 0 टैक्स नेशंस को टैक्स हेवन्स कहा जाता है, जो अपने रेसिडेंट्स के साथ साथ फॉरेनर्स से भी टैक्स नहीं चार्ज करते। टैक्स फ्री देशों में इन देशों का नाम आता है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ सरप्राइजिंग एंट्रीज भी है। ऐसे देश जो डेवलप देश माने जाते हैं, जहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया की सबसे बेस्ट मानी जाती है। लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि कुछ देश मानते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत टैक्स से कहीं ज्यादा। अगर फॉरेन से लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स कम है और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर यहाँ बिजनेसेस बढ़ेंगे, तरक्की होगी। अमेरिका के कुछ स्टेट्स भी ऐसा ही करते हैं। अमेरिका में एक नहीं दो इनकम टैक्स हैं। फेडरल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और स्टेट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ स्टेट टैक्सेस 0 होते हैं, तो कंपनीज अपने हेडक्वार्टर्स इन स्टेट्स में शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की गीगा फैक्ट्री टेक्सास में, जहाँ स्टेट टैक्स नहीं है। ऐसे ही कुछ जुगाड़ लगाकर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी टैक्स नहीं भरती। एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनी तो इसे एक और स्टेप आगे ले जाती है। वो अपने सारे प्रॉफिट्स आयरलैंड में लेती है, ताकि वो वहाँ के रिलैक्स टैक्स लॉज का फायदा ले सके। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कंपनी का या फिर लोगों का क्या फायदा है? ये तो ऑब्वियस है, उनका टैक्स बचता है। लेकिन एक देश का या फिर एक स्टेट का क्या फायदा है? आइए समझते हैं कि टैक्स हेवन देश पैसे कैसे कमाते हैं। आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इन देशों को 3 कैटेगरीज में बांटा है: गल्फ नेशंस, आइलैंड नेशंस एंड वेस्टर्न नेशंस। चैप्टर 2, गल्फ देश पैसे कैसे कमाते हैं। गल्फ देश यानी वो देश जो मिडल ईस्ट में बेस्ड है। इनमें UAE, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे देश शामिल हैं। ये देश अपने नेशनल्स और फॉरेन वर्कर्स से इनकम टैक्स नहीं लेते। इनफैक्ट कोई वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं लेते, और कैपिटल गेन्स टैक्स भी चार्ज नहीं होते। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये देश इंडिविजुअल्स के इनकम्स पर कोई टैक्स नहीं लगाते। यानी अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो तो आपकी सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। UAE एंड सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस से अपने बल्क रेवेन्यूज कमाते हैं। सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस को 50% to 85% ऑफ प्रॉफिट्स के बेसिस पर टैक्स करता है। UAE ने अभी एक नया कॉर्पोरेट टैक्स पॉलिसी लाया है। यानी अगर एक कंपनी का इनकम 3,75,000 दिराम्स यानी कुछ 85 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो उन पर 9% इनकम टैक्स लगेगा। फिर भी ये भारत के 25% कॉर्पोरेट टैक्स से काफी लो है, और भारत तो फॉरेन कंपनीज को 40% टैक्स लगाता है। तो टेस्ला जैसी कंपनीज डायरेक्टली भारत में आना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। गल्फ देशों का लॉजिक सिंपल है, जो बिजनेसेस ऑयल रिलेटेड कुछ काम करते हैं वहाँ पर पैसा सबसे ज्यादा है, तो उनको टैक्स करो, बाकी लोगों को सहूलियत दे दो। इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्सेस होते हैं। बहरीन में अगर आप रेंटल इनकम कमाते हैं तो 7 से 10% टैक्स लगता है। सऊदी में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पर 5% टैक्स है, और UAE में फॉरेन बैंक्स 20% टैक्स पे करती हैं। कहने का पॉइंट ये है कि डायरेक्टली सिटीजन्स टैक्स नहीं देते, लेकिन इन वन वे और अनदर ये देश भी कंपनी से टैक्स कलेक्ट करते ही हैं। आज की घड़ी में कई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का इनकम बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम, इसीलिए ये देश अपना गुजारा कम टैक्स में कर सकते हैं। ये देश डेमोक्रेसीज नहीं है, डिक्टेटरशिप्स हैं, और रॉयल फैमिलीज बहुत रिच हैं, तो वो अपने पॉकेट से एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स फंड कर सकती हैं। सऊदी का नियम और दुबई का बुर्ज खलीफा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चैप्टर 3, आइलैंड देश पैसे कैसे कमाते हैं। आइलैंड देश वो छोटे छोटे देश है जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है। इनमें से कई देश कैरिबियन आइलैंड देश है या फिर फॉर्मर यूरोपियन कॉलोनीज है। 0 टैक्स की ब्रांडिंग की वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपना बिजनेस उनके देश में सेटअप करने के लिए कहते हैं, और अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, टूरिज्म रेवेन्यूज, लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट,
प्रॉपर्टी टैक्सेस, डिपार्चर टैक्सेस। चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं। नंबर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर GST, VAT, कस्टम्स ड्यूटीज आते हैं। ये सारे कंजम्पशन टैक्सेस होते हैं, यानी जितना ज्यादा लोग खर्चा करेंगे उतने ज्यादा ये टैक्सेस बढ़ेंगे। कस्टम्स ड्यूटीज इम्पोर्ट्स पर होते हैं। अगर कोई देश इम्पोर्ट ज्यादा करता है तो उन आइटम्स पर टैक्स लगता है। नंबर टू, टूरिस्ट रेवेन्यूज। बहामास एक छोटा सा देश है, लेकिन पिछले साल सिर्फ 9 महीनों में वहाँ 6.6 मिलियन टूरिस्ट आए। जब ये टूरिस्ट किसी होटल या एयरबीएनबी में रहते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। नंबर थ्री इज लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर इन टैक्स फ्री देशों में कंपनी शुरू करनी है तो लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज होते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स इन देशों में कंपनी स्टार्ट करने आते हैं। नंबर फोर इज सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। कैरिबियन आइलैंड्स में कई सारे देश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, यानी लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर फंड में डोनेशन देने के लिए कहते हैं, और ये अमाउंट कोई छोटे अमाउंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनिका में आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना है तो आप $2,00,000 गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर $1,00,000 उनके इकोनॉमिक वेलफेयर फंड में डोनेट कर सकते हैं। डोमिनिका के बजट का आधा रेवेन्यू सिर्फ इस इकोनॉमिक सिटीजनशिप प्रोग्राम से आता है। नंबर फाइव इज प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्सेस रियल एस्टेट के परचेज प्राइस पर चार्ज होते हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में ये देश लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन देते हैं, इस प्रॉपर्टी पर टैक्सेस चार्ज करते हैं। नंबर सिक्स इज डिपार्चर टैक्सेस। आइलैंड नेशंस जनरली टूरिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, और जब भी कोई टूरिस्ट उस देश से एग्जिट करता है तो उसे डिपार्चर टैक्स चार्ज किया जाता है। कुछ देश ये टैक्सेस होटल के बिल्स में ही चार्ज करते हैं। इवन दो हमने अलग अलग अर्निंग सोर्सेज देखे, मोस्ट आइलैंड नेशंस GST यानी गुड्स और सर्विस टैक्स से मेजोरिटी पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये टैक्स चीजों के दामों में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। रेस्टोरेंट बिल्स पर ये टैक्स ऑलरेडी लगकर ही आता है, तो टैक्स इवेजन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड चीजें महंगी होती हैं। लेकिन सोचिए कि ये GST भरता कौन है? नॉर्मल लोग, आप और मुझ जैसे वहाँ के सिटीजन्स, या फिर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जो अक्सर नो टैक्स के लालच में वहाँ पर जाने की सोचते हैं। चैप्टर 4, वेस्टर्न देश पैसे कैसे कमाते हैं। वेस्टर्न देशों में कई ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे आयरलैंड, नेदरलैंड्स और इवन USA। ऐसे देश जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइप के इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं करते। ऐसे ऑफर्स कुछ बिजनेसेस के लिए इन देशों को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। USA के कुछ स्टेट्स इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते, लेकिन उस डेफिसिट को मीट करने के लिए वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं और अल्कोहल, सिगरेट्स पर टैक्सेस लगाते हैं। आयरलैंड भी कम्प्लीटली नो टैक्स नेशन नहीं है, वो 12.5% कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करता है, लेकिन आइलैंड कुछ इनकम्स पर टैक्स नहीं लगाता। तो गूगल और एप्पल क्या करते हैं? वो एक आइलैंड नेशन पर ऑफिस खोलते हैं, अपने सारे IPs यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। सो US से ये पैसे पहले आयरलैंड में जाते हैं और आयरलैंड से ये पैसे आइलैंड देशों में आते हैं। As if to say कि Google और Apple कंपनी के सारे राइट्स बर्म्यूडा की एक छोटी कंपनी पकड़े हुए हैं, और उस कंपनी ने US की कंपनी को यूज करने की परमिशन दी है, और इस परमिशन के बदले वो उस बर्म्यूडा की कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 80% हिस्सा देते हैं। इसे रॉयल्टीज भी कहते हैं। पैसा घुमा फिरा कर ये सारे कंपनीज टैक्स लॉस का फायदा लेते हैं और कम से कम टैक्स पे करते हैं। वैसे बोला जाए तो ये एक स्कैम है, लेकिन ये कम्प्लीटली लीगल है। अगर इन कंपनीज को ये सारा पैसा वापस अमेरिका लाना है तो उन्हें उन पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे होता यह है कि इन बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज का पैसा अमेरिका से बाहर इन अलग देशों में रहता है, वहाँ पर उनके ऑफिसेस खुलते हैं, लोगों को हाई पेइंग जॉब्स मिलते हैं, और इसी तरह आयरलैंड जैसे देशों की तरक्की होती है। चैप्टर 5, कैन इंडिया सर्वाइव विदाउट टैक्स। भारत में आज बहुत ज्यादा टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स। इस साल हमारा बजट वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारा रेवेन्यू स्प्लिट क्या है, यानी भारत को किन अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता है। अगर हमने भारत से इनकम टैक्स हटा दिया तो सीधा 1,650,000 करोड़ का फटका लगेगा। ऑलरेडी हमें अलग अलग सोर्सेज से आने वाला पैसा हमारे खर्चों से 44% कम है, और ये 44% डेफिसिट भरने के लिए हम लोन लेते हैं। लोन लेना यानी फ्यूचर के खर्चे आज करने जैसा होता है। हमारे लिए इनकम टैक्स हटा देना देश को बैंक करप्ट करने से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, टैक्स बेस बढ़ाओ। हमारे देश में सिर्फ 6% लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ये नंबर बढ़ाना ही होगा। होता ये है कि देश चलाने का आधा भार ये सिर्फ 6% लोग उठाते हैं, ये काय का जस्टिस है। हमें टैक्स बेस बढ़ाना होगा ताकि जो लोग आज टैक्स पे कर रहे हैं उनका भार कम हो। एग्रीकल्चर एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है।
भारत में कई किसान गरीब है, लेकिन कई किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ने भेजते हैं। यानी लोगों के पास पैसा तो है, तो क्यों ना एक लिमिट के बाद एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्सेस लगाएं। फॉर एग्जांपल, हर किसान जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, तो इसमें बहुत सारे छोटे फार्मर्स नेचुरली एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन भारत का 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री रखने से इतना सारा पॉपुलेशन तो बाय डिफॉल्ट टैक्स पे नहीं करता। नंबर 2 है सिटीजनशिप वाया इन्वेस्टमेंट। टैक्स का भार अगर सिटीजन से कम करना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना होगा। क्यों ना आइलैंड देशों से कुछ सीखे। ये लिस्ट देखिए, कंबोडिया जैसे देश भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं। इट इज समथिंग दैट वी आल्सो कैन कंसीडर। हमारे पास भी लक्षद्वीप, अंडमान जैसे आइलैंड्स हैं, जो देखकर विश्वास नहीं होगा कि ये भारत है। इन्हें स्पेशल हॉटस्पॉट्स बनाकर फॉरेन इन्वेस्टर्स और ट्रैवलर्स को यहाँ पर लाने की जरूरत है, जिससे डेवलप्ड देशों से कम टैक्स उन्हें यहाँ पर पे करना पड़े। लेकिन उसके लिए टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। अंडमान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी 2020 में लॉन्च हुआ। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स बनाए जा सकते हैं, जहाँ ग्लोबल ट्रैवलर्स, रिमोट वर्कर्स, ब्लॉगर्स आकर लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके देश का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। गिफ्ट सिटी एक ऐसा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। नंबर 3 है खर्चे मेंटेन करो। आज भारत में फ्री की चीजें देकर वोट मांगने का ट्रेंड है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन्स भी। इन सारी चीजों को लेकर पॉलिटिक्स हो रहा है। सिटीजन्स को ये समझने की जरूरत है कि ये सारे खर्चे अल्टीमेटली एक टैक्स पेयर की जेब से ही हो रहे हैं। बिहार में कुछ महीनों पहले एक ब्रिज गिर गया और एक झटके में हमारी आंखों के सामने 1700 करोड़ का नुकसान हो गया। अक्सर भारत के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती कि टैक्स ज्यादा है, प्रॉब्लम इस बात का होता है कि हमारे पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके बारे में एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगा तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए। इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज टैक्स इज एक नेसेसरी इविल है। नेचुरल रिसोर्सेज, हाई पॉपुलेशन और काफी सारे सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स की वजह से टैक्सेस हटाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का हर देश टैक्सेस सिटीजन से लेता हो या ना हो, अल्टीमेटली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही चलता है। यहाँ प्रॉब्लम पैसे के सोर्स का नहीं, पैसे के मैनेजमेंट का है, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट दे सकता है, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। हर बार बारिश होने के बाद किसी न किसी शहर में फ्लड्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।